सेम अवध एक्सप्रेस बांद्रा बनाऊंगी और वो बांद्रा से आइए देवी स्थान पे एक बार जरूर विजिट करें, आए तो देख लीजिए। हुआ ये अपने आनंद विहार को वडोदरा सेट का लोकोमोटिव यूज किया जाता है। और आज उतना खास कराओ जैन दोस्तों के हिसाब से, दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूँ बिहार के बघा रेलवे स्टेशन और आज हम यहाँ से आप सभी को ले चलते हैं। ये है बिहार का इस रूट का कह सकते हैं आखिरी रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से दो हॉल्ट है जिसको छोटा मोटा उसको आखिरी रेलवे स्टेशन इस रूट के बोलते हैं, जो कि ये पड़ता है अपना ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न में और हम इंटर करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वांसी डिवीज़न उत्तर प्रदेश में। चलिए चलते हैं और आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि घने जंगलों के बीच LHB कोच के साथ ट्रेन जर्नी, जो कि आपको बिहार टू उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं और देखते हैं कुछ बघा रेलवे। और आज हमारी इंडियन रेलवे 8 वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेट करने जा रही है, जो कि इनॉग्रेट हो चुका है PM मोदी द्वारा फ्लैग के द्वारा, और वो भी विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद, यानी सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच आज हमारी 8 वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन हुआ है 15 जनवरी 2023 को। चलिए चलते हैं बघा रेलवे स्टेशन के कुछ नज़ारों के साथ और कुछ दिखाते हैं, फिर आपको इंटर लेते हैं। और आज के इस ब्लॉग में वीडियो के अंत तक बने रहिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं बघा रेलवे स्टेशन के अंदर और फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार टू उत्तर प्रदेश, वो भी घने जंगलों के बीच। चलिए चलते हैं, बस आपको इस जर्नी में दिखाया जाएगा कि घने जंगलों के बीच अपनी इकलौता टाइगर रिजर्व, जो कि BTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को स्किप करके उत्तर प्रदेश के बिहार और उत्तर प्रदेश के गंडक ब्रिज को हम लोग क्रॉस करेंगे, फिर हम लोग इंटर करेंगे उत्तर प्रदेश, वही बिहार टू उत्तर प्रदेश और घने जंगलों के बीच की ट्रेन जर्नी आपको होगी बिहार टू उत्तर प्रदेश घने जंगलों के बीच। चलिए चलते हैं कुछ नज़ारों के साथ। तो दोस्तों यही है बिहार का वेस्ट चंपारण में आने वाला एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, यानी बघा रेलवे स्टेशन, और देख सकते हैं बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है अपना बघा स्टेशन। जैसे यहाँ जो है अवेलेबल मिल जाएगी 24 घंटा ऑटो अवेलेबल, और ठीक सामने एक मॉल भी है बघा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर निकलिएगा तब। चलिए इंटर करते हैं बघा रेलवे स्टेशन के अंदर हम लोग। हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर, यहाँ आपको इंक्वायरी जो कि प्रतीक्षालय, और यहाँ अनरिजर्व और रिजर्व टिकट आपको अवेलेबल है बघा रेलवे स्टेशन, और एक छोटा सा जो है वेटिंग हॉल दिया हुआ है। और चलते हैं, हम लोग की ट्रेन कुछ ही पलों में अराइव होने वाली है, तो मिलते हैं सीधे आपको अराइवल के साथ और जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एग्जिट और एंट्री पॉइंट बघा रेलवे स्टेशन का अपना, अब देख लीजिए रश कितनी ज़्यादा है अपनी बस ट्रेन के वेटिंग में, और अपनी ट्रेन वेव 7 के साथ आ चुकी है। आनंद विहार रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस 15274 गाजियाबाद सेट का WAP 7 लोगों के साथ आ चुकी है अपनी आनंद विहार रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस। पब्लिक का रस्क देखिए कितनी ज़्यादा है अपनी बस ट्रेन की जर्नी रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन के लिए, देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा क्राउड है, और हमेशा यहाँ पर डे आपको यहाँ अवेलेबल, मतलब जितने भी लोकल पैसेंजर होते हैं यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हमेशा यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगा बिहार के बघा स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले। पब्लिक का क्राउड देख लीजिए, रस देख रहे हैं ना। तो दोस्तों अपनी ट्रेन आने से पहले आ चुकी है 15274 आनंद विहार रक्सौल डेली रनिंग ट्रेन सत्याग्रह एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अपनी ट्रेन कुछ ही पलों में आने वाली, और रस्त देखिए ना पब्लिक का कितना ज़्यादा है, और ऐसे ही भीड़ होती है हमेशा बघा रेलवे स्टेशन। और चलिए बघा रेलवे स्टेशन के बारे में आप सभी को छोटी सी जानकारी दे दूँ, तो इस स्टेशन का स्टेशन कोड है BUZ। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल वे के समस्तीपुर डिवीज़न में आता है, और बघा रेलवे स्टेशन टोटल 32 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है। यहाँ से ना कि ट्रेन अर्जेंट मेट होते बिहार के वेस्ट चंपारण में आता है, और यहाँ इसके बाद जो हम लोग इंटर करेंगे बड़ा सा रेलवे स्टेशन जो कि पनियावा उत्तर प्रदेश से। चलिए इस ट्रेन का देखते हैं डिपार्चर आनंद विहार रक्सौल सत्याग्रह का, फिर मिलते हैं अपनी ट्रेन अवध एक्सप्रेस के अराइवल के साथ और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारी इंडियन रेलवे के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेट किया, जो कि सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम आज के दिन उसका उस ट्रेन का जो है इंडिया 8 वंदे भारत का इनॉग्रेटेड हुआ है। तो चलिए लेते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर और फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो पूरे 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है 15274 आनंद विहार रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस बघा से इस ट्रेन का डिपार्चर, देखिए इसके बाद अपनी ट्रेन का लेते हैं अराइवल और जर्नी को स्टार्ट करते हैं। स्टेशन की बात की जाए ना तो यहाँ पे पर डे जितने भी ट्रेनें आके हॉल्ट करती है बस 2 मिनट के लिए हॉल्ट करती है, बाकी ट्रेन निकल चुकी है बघा रेलवे स्टेशन से। देखिए डिपार्चर
और चलिए यहाँ से लेते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रेन जर्नी के साथ। भी मिल जाएगा बगहा में आपको जो भी नाश्ता वास्ता लेना, और हर स्टेशन पे इंडियन रेलवे द्वारा आपको ऑपरेट कर दिया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, हर स्टेशन पे अवेलेबल दे दिया है इंडियन रेलवे द्वारा। और ट्रेन डिपार्ट कर रही है 15274। इसमें जो है कुछ अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इस शॉप को भी ओपनिंग किया जाएगा। बाकी 15274 आनंद विहार अक्षौल सत्याग्रह डिपार्ट कर चुकी है। फाइनली 15274 आनंद विहार और अक्सौल के बीच डेली रनिंग ट्रेन सत्याग्रह से जो है यहाँ से निकल चुकी है, और कुछ ही पलों में अपनी ट्रेन का सीधे लेते हैं रायबल और जर्नी को स्टार्ट करते हैं 19038 बुरौनी और बांद्रा अवध एक्सप्रेस। चलिए लेते हैं रायबल और जर्नी को। चलिए दोस्तों अवध एक्सप्रेस की एक छोटी सी जानकारी दे दूँ तो इस ट्रेन का नंबर है 19038 बुरौनी और बांद्रा के बीच चलने वाली डेली रनिंग ट्रेन अवध एक्सप्रेस। और ये ट्रेन हफ्ते के सातों दिन चलती है। सुबह के 7:20 पर बिहार के बुरौनी जंक्शन से डिपार्ट करती है, ठीक आपको तीसरे दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में छोड़ती है सुबह के 4:05। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2253 किलोमीटर और टोटल 86 हॉल्ट के साथ ये ट्रेन कवर करती है बुरौनी टू बांद्रा। अगर मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करें तो इस ट्रेन में आपको 4 जनरल क्लास स्लीपर 11 और 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, एक पेंटी कार भी अवेलेबल है, क्योंकि 3 दिन का ट्रेन की सफ़र होती है तो इस ट्रेन में आपको पेंटी कार भी अवेलेबल है, और एक DL1 और एक जनरेटर कार के साथ ये ट्रेन हफ्ते के सातों दिन चलती है बुरौनी। तो दोस्तों फाइनली 19038 अवध एक्सप्रेस बुरौनी बांद्रा हमारी ऑन टाइम अराइव हो रहा है बगहा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। देखिए अराइवल उसका और जर्नी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस ट्रेन में कल्याण सेट का वेब 7 लगा हुआ है, वैसे डेली आपको वडोदरा सेट का लोकोमोटिव यूज किया जाता है, और आज उतना खास क्राउड है नहीं। और देख लीजिए अराइवल उस ट्रेन का, देखा उतना आज इस ट्रेन में खास क्राउड है नहीं, लेकिन ऑल दिन आपको डेली जो देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेन में क्राउड देखने को मिलता है अवध एक्सप्रेस में। कल्याण सेट का वेब 7 है आज अवध एक्सप्रेस में अपनी। फाइनली अपनी ट्रेन का 2 मिनट होल्ड के बाद बगहा से सिग्नल हो चुका, चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर का जो है सिग्नल हो चुका बगहा से, चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग डिपार्चर। निकलते हो भैया चलती ट्रेन में चढ़ने को, हमने देख सकते हैं डबल लाइन के कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफ़ी जोरों शोरों से, देख रहे हैं ना पत्थर वगैरह लगा दिया गया है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, काफ़ी जल्द यहाँ पे डबलिंग लाइन का अपडेट मिलेगा आपको। और आप सभी के लिए आगे इसलिए आना पड़ा लोकोमोटिव के पास ताकि कर्व देखने को मिलेगा आप सभी को। और ठीक सामने आपको SSB कैंप है बगान के पास, बगहा से निकलने के बाद ब्यूटीफुल एक छोटा सा आपको ये कर्व मिलेगा देखने को हमेशा। अभी हमारी ट्रेन बिहार के इकलौता टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को स्किप करके, और ये बिहार का लास्ट रेलवे स्टेशन, और हमारी उधर से मुलाकात होती है 19037 सेम अवध एक्सप्रेस बांद्रा बुरौनी।
और वो बांद्रा से आई है और हमारी ट्रेन बरौनी से बांद्रा को जा रही है और ओवरटेक कर रही है बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर। देख लीजिए अवध एक्सप्रेस अवध एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर हमारी अवध एक्सप्रेस दोनों का ओवरटेक यहीं पे मिला देखने को और ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व और लास्ट रेलवे स्टेशन। दोस्तों हमारी ट्रेन निकल चुकी है बिहार के इकलौता टाइगर रिजर्व यानी बीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और बिहार का कह सकते हैं इस रूट का आखिरी रेलवे स्टेशन इसी अर्जुन का और हम लोग इंटर करेंगे उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट रेलवे के वानसी डिवीजन और अभी हम लोग घने जंगलों को क्रॉस करके चलिए यही था एक अनोखी रेली यात्रा घने जंगलों में जो ट्रिप हो तो बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व यानी बीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि काफ़ी दूरों तक फैला हुआ है और देख लीजिए घने जंगलों का नज़ारा कुछ और ये अपना होम टाउन वाल्मीकि नगर का है। हर ट्रेन जो है स्लो स्पीड में स्किप करती है इस घने जंगलों के बीच में। घने जंगलों के बीच एक काफ़ी फेमस हिस्टोरिकल टेंपल यानी मदनपुर महादेवी स्थान पे एक बार जरूर विजिट करें आए तो देख लीजिए वही है मंदिर और काफ़ी बड़ा सा दूरों तक है देख लीजिए। फाइनली हम लोग बीटीआर जंगल डीप फॉरेस्ट को क्रॉस कर चुके हैं अब हम लोग गंडक ब्रिज को स्किप करेंगे जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है और हम लोग अब इसी आर को जो है ड्रॉप कर चुके हैं अब हम लोग इसे करेंगे एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वानसी डिवीजन के अंदर और हम लोग इसी आर समस्तीपुर छोड़ चुके हैं। दोस्तों मात्र एक ऐसा ब्रिज है जो कि साथ ही साथ रोड ब्रिज और रेलवे क्रॉसिंग लेवल आपको देखने को मिलेंगे गंडक ब्रिज जो कि बिहार और यूपी का बॉर्डर है देख सकते हैं क्रॉसिंग देखिए गंडक ब्रिज का। जब ट्रेन गुजरती है ना तो इस ब्रिज पे रुक के और काफी ज्यादा फोटो क्लिक करवाते हैं यहाँ पे। तो सामने जो आप खेतों में पानी
आप बताइए ना उस सीजन में आइएगा तो इधर आपको चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। और एक छोटा सा नॉर्थ ईस्ट नगर के वांसी डिवीजन में, और ये उत्तर प्रदेश का इधर से फर्स्ट स्टेशन पे और उधर से लास्ट स्टेशन पे बोल सकते हैं। और एक छोटा सा कर्व उत्तर प्रदेश इंटर करते ही आपको देखने को मिलेगा गंडक ब्रिज, बिहार और यूपी क्रॉस करने के बाद ही आपको। दोस्तों उत्तर प्रदेश से पहले ये भी लाइन आपको कनेक्टिविटी थी जो कि तमकुई रोड लाइन जाती थी, अभी इस स्टे को जो है बंद कर दिया गया है। यूपी का वेलकम है उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न के वांसी डिवीजन में। इस रूट का इधर से आपको फर्स्ट स्टॉप है और इधर से जाने के बाद आपको इस रूट का आखिरी रेलवे स्टेशन भी, फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप है बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का इस रूट का ये रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन है उतना खास है नहीं, और नीचे टिकट काउंटर को एक दो मिल जाएगा यहाँ पे, गरम गरम पकौड़ी जो भी मिले खाने को आपको। दोस्तों फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट नगर के पनियावा रेलवे स्टेशन। इस रूट का आखिरी और लास्ट भी कह सकते हैं इस रेलवे स्टेशन को। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है PNYA नॉर्थ ईस्ट नगर के वंशी डिवीजन में था। बाकी यहाँ पे जो है अवध एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉपेज है, और हमारी इस ब्लॉग को एंड करते हैं यही एक छोटा सा। इस रूट को मैं बहुत बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ, इस वजह से आप लोग को बस एक डीप फॉरेस्ट का ब्लॉग दिखाना था कि घने जंगलों के बीच गुजरती है कैसे ट्रेन है, और आपको गंडक ब्रिज का भी दिखाना था कि बिहार टू यूपी। फाइनली हम उत्तर प्रदेश में अपनी जर्नी एंड करते हुए हमारी मुलाकात होती है 190694 वंदे एक्सप्रेस जो कि गुजरात के पोरबंदर से बिहार के मुजफ्फरपुर के बीच चलती है। और यहाँ पे इसका ऑफिशियली स्टॉपेज है नहीं पनियावा, बट सिग्नल नहीं होने का कारण जो है पोरबंदर एक्सप्रेस को पनियावा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन को इस बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न के वंशी डिवीजन में। बाकी हमारी जर्नी एंड होती है यहीं पे, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय विदा एंड जय। और इंस्टा और फेसबुक को फॉलो कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और होप कि आप लोग को ये घने जंगलों के बीच LHB कोचों के साथ ट्रेन का सफर एक छोटा सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय अलविदा एंड जय हिंद।